और सब तो ठीक है, लेकिन हमारे प्यार में से क्या कमी रह गई? तुम यहाँ पे ना बैठ के तुम जाके यहाँ पे बैठे हो इसके साथ। तुम असामाजिक तत्व हो। क्या है असामाजिक तत्व? ऐसा क्या कर दिया है? जो पेपर में लिखा था मंचलो से दूर रहे हैं। मंचलो वही मंचलो। आज सुबह सुबह उठा हूँ और मे भी एक दो दिन और शेष है मेरा सिवान में, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भ्रमण कर लिया जाए। तो फिलहाल अभी अपने छत पे हूँ और यहाँ पे तरह तरह की फूल आपको और फूल पत्तियाँ दिखेंगी। ये हमारे माता जी के द्वारा बागवानी किया गया छत पे ही। देखिए चारों तरफ, असल में अंग प्रदर्शन नहीं कर रहा, बात ऐसा है कि मुझे जाना है नहाने, मैं अपना कपड़ा लेने आया हूँ छत पे। और आज का हमारा जो दिन का पहला काम है वो है मंदिर जाना। बगल में ही हमारा एक शिव मंदिर है, तो बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर आज अपने दिन का शुरुआत करते हैं। आज ये तो मित्रों नहा हुआ के प्रॉपर और फिट है, अब जाएंगे मंदिर। और आजकल इसलिए मेरी वीडियोज़ या फिर मैं सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सबको पता था एग्ज़ाम का टाइम मेरा चल रहा था। और एग्ज़ाम की बात करें तो 24 और 25 को मेरा पेपर था, और एक पेपर तो अच्छा गया है जो लैंग्वेज पेपर था, और एक पेपर बहुत ही ख़राब गया है जो मेन था वो ख़राब गया है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं वो बहुत अच्छा गया। खैर कोई बात नहीं, जो किस्मत में वो तो होना ही है, बाकी हमने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निकलते हैं यार। तो मित्रों शिव मंदिर जाने से पहले महाराज जी को जाना है दुर्गा मंदिर की तरफ ड्रॉप करने, तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं, मम्मी को ड्रॉप करते हैं। और ये देखिए ये गौ माता रोज़ सुबह सुबह हमारे घर पर आ जाती हैं, और इन्होंने दो रोटी खा भी रखा है। बाय बाय, कल मिलते हैं कल। तो ऐसा है कि मम्मी को ड्रॉप करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे चौधरी जी को रिसीव करने, क्योंकि यहाँ हमारे साथ मंदिर जाएंगे 7 दिन पूजा करने नहीं। हेलो दोस्त, ना आए हो? ना आए हो? मॉर्निंग नहाने के साथ चलो। पूजा पाठ करके तो आ चुके हैं, और वहाँ पे आप तैयारी देख रहे थे ना, वो कल सोमवार है तो उसके लिए तैयारी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे सावन में जो जिस एरिया में हम रहते उसका नाम है महादेवा, और महादेव मंदिर के नाम से ही वो पूरा इलाका फेमस है। तो सावन के दिन सोमवार में बहुत ही भयंकर भीड़ होता है, और यहाँ पे आए हैं हमारे चियार भाई। ये इतने संस्कारी लड़के को पल भर में लोग मनचला बना दे रहा है, ये कहाँ तक जाया जाए। खैर कोई बात नहीं, चलिए चले। तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी हो गया तो चश्मा तुम्हारा खुल नहीं रहा है, मजबूरी बस बोलना पड़ा कि आई फ्लू हो गया। क्या बोले और क्या कहेंगे? हाँ शौक हो गए लोगों ने। मित्रों सीधे एक दिन बाद आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में, और आज सोमवार जा रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने फिर मंदिर, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार ही है। कल इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि कल बहुत सारा काम आ गया था। तो असल में हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सारे लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, सिर्फ मैं ही लेट था। अब मैं निकल रहा हूं और फिर मंदिर में बहुत चुकी भीड़ होता है हमारे यहाँ, देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल पूजा पाठ करके आ चुके हैं, और अभी एक और दोस्त का इंतजार कर रहा है, तो फिर उसको जब वो पहुंच जाता है तो फिर उसको लेकर चलते हैं मंदिर में। कैसा है? जब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी सबसे मतलब पहली ख्वाहिश ये होती है, पहली इच्छा ये होती है कि वो पिता के जो सर पे या उनके कंधे पे जो बोझ है उसको वो कम करे। हालांकि जितने माता पिता कर पाते हैं उतना
एक बच्चे के द्वारा कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करें। और माता पिता इतना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरे पिताजी के पास एक छोटा सा फ़ोन था, मैं उनके लिए एक नया फ़ोन खरीद के लाया हुआ हूँ जो उनको मैं अपनी पहली कमाई से, मतलब पहली कमाई नहीं कहेंगे लेकिन मैं अपनी कमाई से पहला जो कोई गिफ्ट या कोई उपहार मैं अपने पिताजी को दे रहा हूँ। तो वो बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा मोमेंट है, क्योंकि आमतौर पर मतलब बॉन्डिंग तो होता है लेकिन एक बेटा अपने पिता से खुल के सारी बातें नहीं कर पाता, या फिर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं एक गैप होता है हमारे बीच में, वैसे ही हमारे और मेरे पिताजी के बीच में एक छोटा सा गैप है। तो थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम भी अपने पिताजी के लिए एक छोटा सा उपहार लेके आया हुआ है। Few moments later. मंदिर उन्दर से। Hello channel, welcome to my guys. और कुछ? Hello channel, welcome to my guys. Please like and share and good night, take care. तो ऐसा है कि अभी मंदिर उन्दर से आने के बाद टाइम जो हो रहा है लगभग 3 बज रहा है और हम लोग अभी एक दोस्त की दुकान पे बैठे हुए हैं साथ में गुड टाइम। हाँ, मुरब्बा सब तो क्या बोल रहे बाबू? भैया किस दे दीजिए बाबू को एक हेलो। कभी कभी उन बेचारों को कुछ खिला भी देना चाहिए, क्योंकि उतने सक्षम है नहीं कि वो अपने तक खरीद पाए, तो वो हमारा फर्ज बनता है। हमारे पास थोड़ी पैसा है, थोड़ा उनको कुछ खिला पिला देना चाहिए। कभी आपको अगर लोग ऐसे मिले बेचारे रोड पे बाबू बाबू, मतलब जो सक्षम नहीं है बोलने में, कुछ खरीद भी दीजिए आप। अभी जो रात में जो समय हो रहा है वो 10:30 हो रहा है और अब सोने टाइम हो चुका है। और जब मैं सिवान में होता हूँ ना तो फिर ऐसे ही आपको बस कपड़ा चेंज करते हुए मैं दिखाई दूंगा। और यहाँ पे कोई काम वाम है नहीं मेरा, कि जब मतलब जब से मैं उधर रहने लगा हूँ ना उत्तराखंड में, उसे सिवान में लगता है कि बस सब कुछ सुना सुना सा है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या ही बताएं, जो खुशी है, जो फिर जो चैन सुकून या फिर जो मज़ा है यहाँ पे, वो कहीं और पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, जो अपनी जन्मभूमि की बात जो होती है वो उसकी तुलना आप किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे ही हंसते खेलते हमारा पूरा समय दिन प्रतिदिन निकलते जा रहा है और मुझे वापस उत्तराखंड जाने का भी मेरा समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। मन में एक तरफ से थोड़ी खुशी भी है कि हाँ घर पे हैं, सबके साथ है, और कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी होता है कि आज निकल कल ना परसों फिर ये जगह छूटने वाला है। खैर कोई ना, चलती है चलिए अब सोने का वक्त हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अपना कि क्या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। और बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।